मैम, बाबा साहब ने नारी उत्थान के लिए बहुत काम किया है, लेकिन ऐसा क्यों है कि जितना नारी को आगे आना चाहिए वो आ नहीं पा रही हैं? इस देश के अंदर अगर महिलाओं के लिए किसी ने काम किया है तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है, उसके अलावा किसी ने काम किया नहीं है। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज भी हमारी महिलाएं जो है सारे व्रत जानती हैं, हमारी लड़कियां नौ व्रते रखती हैं, सोमवार, जितने भी दुनिया भर के ये आडंबर बना रखे हैं, जितने भी पाखंड बना रखे हैं, और ये सरस्वती पूजा और आपका सोमवार की पूजा, शिव जी की पूजा, ये सारे के सारे अंधविश्वास के जो कारण हैं, ये महिला इनमें तो जकड़ी हुई है, लेकिन वो अपनी सच्चाई को नहीं जान पा रही है। उसे सही मायने में अगर कोई आज़ादी दी है तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दी है। मैं थोड़ा सा यहाँ जिक्र कर दूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब पहली बार अमरीका गए थे 1913 के अंदर, तो उन्होंने देखा अमरीका के अंदर एक उनके लिए एक नया संसार, नई दुनिया और नया सब कुछ एकदम पलट के रख दिया। क्योंकि यहाँ भारत के अंदर क्या था कि महिलाओं को केवल और केवल बस चलाने की मशीन समझा जाता था, उसके अलावा कोई अधिकार ही नहीं थे। बहुत छोटी उम्र में शादी की जाती थी, पहला बच्चा गंगा को गदान में दिया जाता था, साइंस का कोई प्रयोग नहीं करते थे, और जितना पाखंड इस महिला के ऊपर इस देश के अंदर थोपा गया है, मैं नहीं समझती कि वो कहीं और किसी देश में थोपा गया है। और महिला को का शोषण भी आज भी मैं देख पा रही हूँ, आज भी महिला का सारे अधिकार मिलने के बावजूद भी वो महिला उस पाखंड से नहीं निकल रही है, अपनी सही मायने में नहीं जान पाती है। वो पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी तीज त्यौहार आते हैं, जितने भी त्यौहार बनाए गए हैं, ये सारे के सारे त्यौहार हमारे लोगों की जो हत्या करके उनका जश्न हमसे मनवाया जाता है, लेकिन हमारी महिलाएं नहीं जानती हैं। अगर वो सच्चाई को जान ले तो वो कभी भी इस पाखंड को नहीं मानेंगी। आज मैं देख पाती हूँ कि भंडारे होते हैं, पूजा पाठ होती है, माता के जागरण होते हैं, हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं, लेकिन अगर बाबा साहब का कार्यक्रम होता है तो उसमें वो उपस्थिति नहीं देती हैं और कहती हैं कि वहाँ हमारा दिल नहीं लगता है, वो हमें बाबा साहब को कोई भगवान थोड़ी है, वो तो एक व्यक्ति थे। अरे, आपको ये जानना है कि आपके तो सही मायने में भगवान ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। मैं तो ये मानती हूँ कि आज मैं यहाँ बोल रही हूँ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। मैं महिलाओं को बता देना चाहती हूँ कि शिक्षा का अधिकार बाबा साहब ने दिया, जिस शिक्षा की बदौलत आज वोट का अधिकार महिला को बाबा साहब ने दिया, आज एक सरपंच से लेकर राष्ट्रपति बनने के अधिकार मेरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिए। और मैं आपको बता दूं, पिता की संपत्ति में अधिकार और पति की संपत्ति में अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिए, ये किसी देवी देवता या किसी और की देन नहीं है। तो इसलिए हमारी महिलाएं जितनी जल्दी हो सके इस पाखंड को छोड़ दें, और पाखंड को छोड़ेंगी तो वो जो है अपने घर को विकास की तरफ लेके जाएंगी। क्योंकि बगैर विकास के, बगैर साइंस के आज जो है हमारा उद्धार नहीं है। क्योंकि जब तक हम इस हिंदू धर्म को अपने कंधों पर लादे रहेंगे, हम पर जुल्म और अत्याचार होते रहेंगे। हमें जल्दी से जल्दी बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है, वहाँ सारी चीज़ें साइंस के अनुसार है, कोई भी पाखंड नहीं है, सारी चीज़ें तर्क के साथ हैं। तो इसलिए हमारी महिलाओं के लिए अगर एकमात्र हमारा देवता है, तो मैं बार बार कहूँगी, हजार बार कहूँगी, अपने मरते दम तक कहूँगी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, उसके अलावा हमारा कोई भी देवता नहीं है। मैम, आपने अंधविश्वास का जिक्र किया, ये अंधविश्वास होता क्या है? अंधविश्वास ये होता है कि जब हमारे जो बाप दादा थे, हमारे जो पुरखों थे, वो अनपढ़ थे। अब अनपढ़ होने के कारण उन्हें साइंस का नहीं पता था। जब अनपढ़ आदमी होता है तो वो तर्क नहीं करता है, वो दूसरे की बात को जल्दी मान लेता है। तो हमारे जो बुजुर्ग थे उनके ऊपर इन्होंने अपनी प्रथाएं थोपी कि बारिश नहीं होगी तो आप उसकी पूजा करो। अरे, बारिश होना ये प्राकृतिक बातें हैं। तो अब आपको अगर आपने अपने बड़ा बूढ़ा कोई घर में ख़त्म हो गया, उसको अगर आपने उसके लिए दान पुण्य नहीं किया, उसके लिए आपने कोई कर्म कांड नहीं किया, तो वो आपको दुख देगा। ऐसे इन्होंने भय, भक्ति और भूत, ये तीन तरीके से इन्होंने हमारे लोगों को डरा करके उस आडंबर में फंसाया, और जिसके कारण कि वो जो हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने वही अपने बच्चों को सिखाया। लेकिन आज युवा पढ़ चुका है, युवा जान चुका है, और जो युवा पढ़ लिख गया है
वो इनके चक्करों से बाहर निकल चुका है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी धर्मों की स्टडी करने के बाद बहुत सोच बूझ के साथ उन्होंने 1935 में कहा था, 13 अक्टूबर 1935 को कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में होकर मैं मरूंगा नहीं ये मेरे बस की बात है। तो बाबा साहब ने फिर भी इन भारत के जो लोगों को टाइम दिया, 21 साल के बाद जब ये लोग नहीं माने, इनसे कहा कि आप महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल बना दो और उसे एक बार में पास कर दो, लेकिन ये सारे के सारे जो है पाखंडी, बाबा साहब का कहना इन्होंने नहीं माना और बाबा साहब ने हम महिलाओं के लिए मंत्री पद त्याग दिया। और उसके बाद बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल टुकड़े टुकड़े में पेश कराया और आज भारत की जो महिला शान आन बान शान से जो बड़ी बड़ी नौकरियों में है, IAS है, PCS है, पायलट है, जो जितने भी बड़े पदों पे है, वो बाबा साहब की देन है। आज हम अच्छे सूटेड बूटेड कपड़ों में है, बाबा साहब की देन है, क्योंकि गांधी ने तो धोती पहनी थी, हमारे बाबा उस समय कोट पैंट पहन के रहते थे, हैट लगा के टाई लगा के, ये शानदार बाबा साहब। आज भी बाबा साहब के मुकाबले कोई भी सुंदर आदमी नहीं है, एक एक उसमें देख लो आप, अगर कोई भी मिल जाए तो मुझे आप बता देना, मुझे बाबा साहब से ज़्यादा सुंदर आज भी पूरे संसार में कोई नज़र नहीं आता है। मैम, बाबा साहब ने औरतों को महिलाओं को कई सारे अधिकार दिए हैं और इन अधिकारों के साथ वो ISIPS कई उड़ानें भर रही हैं, लेकिन क्या कारण है फिर भी वो घर गृहस्थी में उलझ कर रह गई हैं? हाँ, ये आपने सही कहा कि आदमी जो है ना आज लालची है, हर बाबा साहब ने यही कहा था, 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने आगरा के अंदर लाल किले मैदान लाल रामलीला ग्राउंड में कहा था कि मुझे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया। तो वो पढ़ा लिखा समाज कौन सा था? वो पढ़ा लिखा समाज वही था जो पढ़ लिख करके नौकरी करके एक पोजीशन पे पहुंच गया, लेकिन वो पीछे मुड़ के अपने जो गरीब बहन भाई हैं उन्हें नहीं देख रहा। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने गरीब बहन भाइयों को देखें और हमें एक पोजीशन को हासिल करने के लिए बैक टू सोसाइटी हमें करना चाहिए। अगर हम बैक टू सोसाइटी नहीं करते उसी का हम खामियाजा आज भुगत रहे हैं। आज अगर मैं कहूँ तो हम उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं कि हमारे पढ़ा लिखा समाज आज अपने जो गरीब मजलूम बहन भाई हैं उनको आज मदद नहीं कर रहा, उनको नहीं समझा रहा है। और मदद पैसे से नहीं करनी है, मदद कोई हमें कुछ नहीं करना, हमें मदद केवल विचारों से करनी है, क्योंकि हमारे महापुरुष हमें क्या देखे गए? कोठी बंगला बना के नहीं देखे गए, बैंक बैलेंस नहीं देखे गए, वो देखे गए हमें विचार। जो बाबा साहब के विचारों पर चलेगा, जो महात्मा फूले के विचारों पर चलेगा, जो हमारे माता रमाबाई के विचारों पे चलेगा और जो हमारे बुद्ध भगवान के विचारों पे चलेगा, वो जरूर तरक्की करेगा, उसे दुनिया का कोई वो रोक नहीं सकता और तरक्की के रास्ते पर। तो सभी को मैं ये कहना चाहती हूँ जो भी मेरे इस शब्दों को सुने कि भाई सोसाइटी को पे बैक जरूर करें, जिससे जहाँ से आप निकले हो उन्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश ज़रूर करें। मैम, बाबा साहेब की 131वीं जयंती पर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? बाबा साहब की 131वीं जयंती पर मैं सभी को, पहले तो जितने भी मेरे ये इस विचारों को सुनने वाले सभी को मैं शुभकामनाएं दूंगी कि हम बड़े लकी हैं कि हम बाबा साहब की ये जयंती मना रहे हैं। और दूसरा, मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी, मेरी बहनों मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आपका कहीं भला नहीं है, आपका भला है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है। अगर आप पूजना ही चाहते हो तो अपने घर में बाबा साहब को ले आओ, भारत का संविधान ले आओ, क्योंकि देश आज संविधान से चल रहा है, गीता रामायण महाभारत से नहीं चल रहा है। और अपने बच्चों को शिक्षित करो, बाबा साहब के विचारों को घर में लाओ और जितना हो सके ये पाखंड को उखाड़ करके इतनी दूर फेंक दो कि ये कभी दोबारा वापस आपके घरों में आने भी ना पाए। और मैं तो इसी दिशा में काम कर रही हूँ, इसी दिशा में महिलाओं को जगाने की कोशिश कर रही हूँ और अपने जीवन के अंत तक यही काम करती रहूँगी। तो ये थी हमारे साथ राजेश मैम, जो बहुजन मूवमेंट के लिए लगातार काम करती है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैडम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।